श्रावण मासनी शुरुआत पहला साबरमतीना डी केबिन विस्तार में आवेल प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर खाते थी पहली बार विशाल नगर कावड़ यात्रा निकाळवामां आवी हती। अमदावाद में पहली बार हिंदू साम्राज्य सेना द्वारा 108 कावड़ियोनी साथे नगर यात्रा निकाळवामां आवी हती। साबरमती डी केबिन खाते आवेल प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर खाते थी नगर कावड़ यात्रा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ यात्रा साबरमतीना डी केबिन विस्तार अलग अलग विस्तारों में फरी हती। अशोक शर्मा हिंदू साम्राज्य सेनाना प्रमुखे नगर कावड़ यात्रा अंगे माहिती आपता जणाव्युं हतुं कि श्रावण महीनामां कावड़नुं खूब ज महत्व रहेलुं छे। हरिद्वारथी गंगा जल लावीने भगवान शिव पर अभिषेक करवामां आवे तो मनोकामना पूरी थाय छे। अमदावाद में पहली बार हिंदू साम्राज्य सेना द्वारा कावड़ थी गंगा जल लेने आया था, जे 108 कावड़ियोनी साथे नगर यात्रा पूरी करीने लघु रुद्र साथे नीलकंठ महादेव ना मंदिर में भगवान शिव जी ने महाभिषेक करवामां आव्यो हतो। कावड़ का बहुत महत्व है। उस समय माना जाता है कि कावड़ के अंदर हरिद्वार से गंगा जी का जल लाकर अगर भगवान शिव भोले के ऊपर चढ़ाया जाएगा तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपका कल्याण होगा। और इसकी जो कथा है, पुरानी कथा है, भगवान परशुराम जी ने गंगा जल लाकर चढ़ाया था उस समय से, और दो तीन और भी कथा साथ में जुड़ी है, राम जी की, रावण जी की और श्रवण कुमार की, ये सब कथा भी जुड़ी हुई है। लेकिन मुख्य रूप से परशुराम जी की कथा इससे जुड़ी हुई है कि उन्होंने जल लाकर बागपत यूपी के अंदर चढ़ाया था। उसके बाद से लगातार ये प्रक्रिया चली आ रही है और सदियों से इस प्रक्रिया को निभाया जा रहा है। इसका विशेष महत्व श्रावण मास के अंदर ही होता है। श्रावण मास के अंदर वहाँ से गंगा जल लेकर और उसको नियमों का पालन करते हुए अपने गांव शहर में लाकर वहाँ जो भी शिव मंदिर है उस पर उसका अभिषेक किया जाता है, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है, आपका कल्याण होता है। और इसीलिए कर्णावती महानगर अहमदाबाद के अंदर पहली बार हिंदू साम्राज्य सेना के द्वारा हमारे कार्यकर्ता हरिद्वार से कावड़ में गंगा जल लेके आए हैं और इसकी अभी नगर यात्रा कर 108 कावड़ियों के साथ नगर यात्रा कर इसका लघु रुद्र के साथ नीलकंठ महादेव के मंदिर में भगवान शिव का महाअभिषेक किया जाएगा और अपने विस्तार की, अपने नगर की, अपने गुजरात की और अपने देश की वृद्धि हो और हमारा धर्म विश्व पे गुरु स्थान पर है और फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, ऐसी भगवान से, भगवान शिव से प्रार्थना की जाएगी। जयकारा वीर बजरंगी।